हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथ आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बेसिकली हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम को, बायोलॉजी का सेक्शन हम जो है कवर कर रहे हैं। आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मानव पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जनरली इससे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को जो है यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है ये बेसिकली डिटेल डायग्राम है मानव पाचन तंत्र का, जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। अब सबसे पहले हमको जो है यहाँ पर ये समझना है कि वाई डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पाचन तंत्र की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम फूड खाते हैं, जो हम आहार ग्रहण करते हैं, वो फूड बेसिकली होता है कॉम्प्लेक्स फूड। कैसा फूड होता है वो? कॉम्प्लेक्स फूड होता है। मतलब अगर हम बोलें कि हम जो फूड खाते हैं वो बेसिकली है कॉम्प्लेक्स फूड, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। मतलब उसको हम बोलते हैं जटिल भोज्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, इस जटिल भोज्य पदार्थ को हमारी बॉडी सीधे तौर पे जो है यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो कैसे यूटिलाइज करेगी, कैसे उसका उपयोग करेगी, तो उसके लिए हमको इसको सरलतम रूप में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। और पाचन तंत्र का काम यही होता है कि वो जटिल भोज्य पदार्थ को, कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करने का काम करता है। किसमें? सिंपल फूड में वो कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो कन्वर्ट होगा सिंपल फॉर्म में, मतलब जटिल भोज्य पदार्थ सरल रूप में कन्वर्ट होगा, और सरल रूप में परिवर्तित होने के पश्चात वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज होगा। दैट इज़ वाई डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हमको जो ऊर्जा मिलती है वो बेसिकली खाने से ही मिलती है, और खाना जब तक पचेगा नहीं आपको जो है वो एनर्जी मिलेगी नहीं। तो पचाने के लिए जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की जो है आवश्यकता होती है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मानव पाचन तंत्र है ये बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके सर्टन स्टेप्स होते हैं, मतलब कुछ चरणों में ये पूरा होता है, जिसमें बेसिकली हम पहला चरण को बोलते हैं अंतर्ग्रहण करना, इंजेशन करना, ठीक है। दूसरा आपका हो गया डाइजेशन का प्रोसेस, तीसरा आपका हो जाता है एसिमिलेशन का प्रोसेस। ऐसे करके पांच स्टेप्स आसपास हैं आपके, जिसमें बेसिकली हर एक स्टेप्स में डाइजेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, और लास्ट में जो अपचा हुआ भोजन रहता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है, वो हमारे शरीर से एक्सक्रिएट हो जाता है बाई एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उस सृजन तंत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। तो हमको फिलहाल जो कवर करना है वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं, पार्ट्स को समझने के बाद हम इसकी वर्किंग को जो है फटाफट से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो भोजन है वो, उसका डाइजेशन जो है माउथ से स्टार्ट होता है। तो दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, एक मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, और एक बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस होगा। मतलब एक तो हम चबाने का काम करेंगे, चबाने का काम क्या हो गया, मैकेनिकल या फिजिकल वर्क हो गया, और उसके बाद जब वो आगे बढ़ेगा तो उसमें कुछ केमिकल्स जिसको हम एंजाइम्स बोल रहे हैं HCl, ये सब आपस में मिलेगा और उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शंस होंगे। तो पहले हम समझते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ शुरू होता है, आपके माउथ से शुरू होता है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन माउथ का सेक्शन है, जिसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी में टीथ होते हैं, दांत होते हैं, टंग होते हैं, और कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिन ग्रंथियां को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लार ग्रंथियां हम यहाँ पर बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड तीन प्रकार की होती है, पैरोटिड ग्रंथि जो बेसिकली आपके यहाँ आसपास होती है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ठीक है, ये आपके जो है टंग के नीचे जो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से होते हैं वहाँ पर। तो तीन ग्रंथि होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है पैरोटिड ग्रंथि जो है, पैरोटिड जिसको हम अगर हम बोले तो अधो बेसिकली कर्णपुर यहाँ पर जो आपका दिख रहा है कान के जो आसपास में होता है वो, उसको हम पैरोटिड ग्रंथि बोलते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि होता है। और जो उसमें जो है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है, इसको आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी चीज़ें उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है माउथ का हमारा सेक्शन है। इसके बाद क्या होता है कि जो हम खाना खाएंगे उसके बाद एक फूड पाइप होता है, जिसको हम ईसोफेगस या आहार नलिका बोलते हैं, उस या ग्रास नली भी बोलते हैं। तो उसके जरिए जो है फूड हमारा आगे जाएगा। फूड आगे कहाँ जाएगा, तो फूड आगे जाएगा स्टमक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं हिंदी में। यहाँ हमारा जो है फूड आगे पास होगा। अब क्या होता है,
कि अमाशय में बहुत सारे जो है केमिकल्स होते हैं, जैसे HCl होता है, म्यूकस होता है, ये और कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स वहाँ पर मिक्स होंगे और खाना को डाइजेस्ट करने का, पाचन करने का काम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाचन करने के लिए और भी महत्वपूर्ण अंग है, जैसे कि यकृत, यकृत जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लीवर, और उसके पास में होता है गॉल ब्लैडर जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय। इसके अलावा होता है बेसिकली पैनक्रियास, पैनक्रियास और पैनक्रियाटिक डक्ट जिसको हम यहाँ पर अग्न्याशय या अग्न्याशयी वहिनी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टमक मतलब अमाशय, आपका पैनक्रियास मतलब हो गया अग्न्याशय, और आपका गॉल ब्लैडर पित्ताशय, लिवर यकृत, ठीक है। ये सबको आपको यहाँ अभी जो है समझ लेना है कि किसको किसको हम बोल रहे हैं, फिर आगे आपको जो है उसको ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद जो फूड जो होगा फिर वो कहाँ पर जाएगा, वो आगे जाएगा, आगे कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। किसमें जाएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसके तीन पार्ट हैं, डी, जे और आई, डूडनम, जीजनम, इलियम, ग्रहणी, अग्र छुद्रांत और छुद्रांत इसको हम बोलते हैं। इसके बाद खाना आगे जाएगा कहाँ पर, बृहदान्त, बड़ी आंत में, जिसके बहुत सारे सेक्शन हैं, हालांकि मेन जो है वो तीन सेक्शन होते हैं, ट्रांसवर्स कोलोन, ऐसे मतलब कोलोन बोल लीजिए, सीकम बोल लीजिए, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स तो अलग से एक ऑर्गन है, और रेक्टम बोल लीजिए। मतलब अगर हम मेनली पार्ट देखें, किसका मेन पार्ट देखें, बड़ी आंत का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, तो कोलोन मान लीजिए, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा सीकम, और तीसरा हो जाएगा रेक्टम। अर्थात हिंदी में अगर हम बोले तो तीन पार्ट कौन कौन से, एक तो आपका जो है बड़ी आंत जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, वृहदान्त बोल रहे हैं जिसको हम, वृहदान्त के बाद में आपका क्या हो जाएगा, मलाशय हो जाएगा दूसरा पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट आपका क्या है, सीकम है, ठीक है। तो इतने सारे जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है आपके यहाँ पर पार्ट है अभी आपको समझना है, और जो सीकम बोल रहे हैं उसको हम ससेम भी बोलते हैं, तो वो जो है यहाँ पर देखना है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब इनके बारे में हमको वन बाय वन पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो ह्यूमन टीथ के बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हम जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं वो फूड कैसा होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, या पॉलीसेकेराइड होता है। बोलने का मतलब वो एक जटिल भोज्य पदार्थ है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड है, और उस कॉम्प्लेक्स फूड को हमको सरल रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब इम्पॉर्टेंट बात, जैसे ही हम खाना खाते हैं, हम दांतों के द्वारा चबाते हैं, हमारे 32 दांत होते हैं, उसके द्वारा हम चबाते हैं, चबाकर उसमें जो है कुछ जो है लिक्विड जैसा मिक्स होता है, जिसको हम लार बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, और ये बेसिकली कहाँ से रिलीज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होगा, लार ग्रंथि से। कहाँ से, लार ग्रंथि से, जिसमें तीन प्रकार की ग्रंथियाँ मैंने आपको बताया। अच्छा, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, लार्जेस्ट पैरोटिड ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये पैरोटिड जो ग्रंथि है, ये अगर पैरामोक्सी वायरस से इन्फेक्ट हो जाए तो होता है मम्स। इसको कई बार पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मम्स किससे होता है, मतलब गाल फूल जाता है, ठीक है। तो गाल फूल जाता है तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये पैरोटिड ग्रंथि इन्फेक्टेड हो जाती है। पैरोटिड जो आपकी सलाइवरी जो ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड जो है वो क्या होती है, वैसे इन्फेक्ट हो जाती है किससे, पैरामोक्सी वायरस से। कौन से वायरस से, पैरामोक्सी वायरस, तो क्या हो जाता है, मम्स हो जाता है। इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है उसमें क्या होते हैं, सलाइवा जो है उसमें मिक्स होगा। सलाइवा में क्या होता है, लार में क्या होता है, लार में एंजाइम होता है टाइलिन एंजाइम, जिसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ये जो लार एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज जो हम बोल रहे हैं, सलाइवरी एमाइलेज, ये क्या करता है, ये जो है ना स्टार्च, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट जो हम बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फूड, उसको सबसे पहले जो है माल्टोस में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो है कॉम्प्लेक्स फूड है, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है माउथ से ही, सलाइवा इसको ये काम करता है। इसके अलावा जो लार एमाइलेज है वो क्या है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह जो भी जो होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, उनको नष्ट करने का भी क्या करते हैं, यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर जो हमारा फूड होगा ना, यहाँ जो भी हम फूड खाएंगे उसको जब मिक्स कर देंगे और चबा कर, तो उस फूड को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस। तो सबसे पहला जब माउथ में हम फूड को लेते हैं, चबाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस फूड का नाम दिया गया है बोलस। ये आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बोलस जो है
जो फूड हमने चबाया है, मिक्सअप किया है लार के साथ में, वो जो है अब आगे बढ़ेगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला एंजाइम कौन सा है डाइजेस्टिव एंजाइम पूछे तो, फर्स्ट डाइजेस्टिव एंजाइम अगर पूछे तो टाइलिन, ये आपको याद रखना है, जो कि लार में पाया जाता है। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा, किस में आगे बढ़ेगा, फूड पाइप के जरिए जो है ये आगे बढ़ेगा। फूड पाइप जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं या ग्रसनी बोलते हैं या आहार नलिका भी बोलते हैं, इसमें बहुत सारी स्पिंचटर मसल्स होती है, क्रमांकुचित करने वाली जो है यहाँ पर पेशियाँ होती हैं, जो पेरिस्टलेसिस मूवमेंट अर्थात क्रमांकुचन गति प्रदान करती है, मतलब संकुचित होगी और फैलेगी, संकुचित होगी फिर फैलेगी, इस प्रकार से ये काम करती है। मतलब जब आप कुछ खाना खाते हो तो उसको आगे बढ़ाने की जो मूवमेंट है, आगे फर्दर उसको प्रोसीड करने का जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलेसिस या पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं क्रमांकुचन गति। वो उसके जरिए क्या होता है कि जो यहाँ पर स्पिंचिटर मसल्स होती हैं, कुछ पेशियाँ होती हैं, वो पेशियाँ आपस में पहले खिंचाएंगी फिर सिकुड़ेंगी, और उस तरह से वो क्या करती है, भोजन को आगे जो है बढ़ाती है। अच्छा, फूड पाइप में ना बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड होते हैं, म्यूकस को हम क्या बोलते हैं, म्यूकस को हम स्लेश्म में भी बोलते हैं। ये स्लेश्म में चिकना होता है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे फूड पाइप को डैमेज होने से बचाता है, कि हम खाना खा रहे हैं उससे कहीं हमारा जो है फूड पाइप का अंदर का लेयर डैमेज ना हो जाए, चिकनाई उसको बना रहे, इसके लिए म्यूकस स्लेश्म पदार्थ जो है यहाँ पर बेसिकली रिलीज होता है, जो उसको चिकनाई देने का काम करता है, स्मूथनेस देने का काम करता है। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है, इसोफेगस या फूड पाइप, यहाँ पर हमने इसको देख लिया। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे जब हम जाएंगे तो हमारा जो अगला फूड है वो कहाँ पर जाएगा, स्टमक में जाएगा। मतलब जो फूड है वो अब कहाँ जाएगा, स्टमक में। तो स्टमक को मैं थोड़ा सा यहाँ पर अलग से जो है यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ताकि हमको जो है वहाँ पर उसकी सारी जो पॉइंट्स है उसको हमको जो है यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फूड ऐसे आया और ये हमारा स्टमक वाला पार्ट है, और इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये स्टमक है। अब आपको समझना है कि ये जो स्टमक बोल रहे हैं, या जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं, अमाशय या स्टमक, तो ये जो है यहाँ पर जब फूड आता है, यहाँ पर जब फूड आएगा तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो है इसको हम बेसिकली फंडिक जोन बोलते हैं, फंडिक जोन, ठीक है, या फिर फंडिक रीजन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं जठर यहाँ पर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या रिलीज होगा, जठर रस, फंडिक जूस यहाँ से क्या होगा, बेसिकली रिलीज होता है। अभी जठर रस जिसको हम फंडिक जूस बोल रहे हैं, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, एक तो होता है SCL और दूसरा होता है आपका म्यूकस, ठीक है, म्यूकस। तो एक हो गया आपका HCL, दूसरा हो गया म्यूकस, और तीसरा हो गया पेप्सिनोजेन। क्या हो गया, पेप्सिनोजेन, ठीक है, नोजेन। पेप्सिनोजेन क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, चलो पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है। अब हमने समझा कि बेसिकली फंडिक जोन में अंदर में क्या होती है, यहाँ पर फंडिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, फंडिक ग्लैंड्स होती हैं फंडिक जोन में, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ग्रंथि बोल सकते हैं उसको हम, जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, फंडिक जूस निकलता है। फंडिक जूस में तीन चीज़ें होती हैं मुख्यतः, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH कितना होता है, जिसका pH 1 से लेकर 3.5 के बीच में वेरिएबल होता है। म्यूकस आपको जो है HCl से आपके अंदर की जो लेयर है, इस लेयर को बचाने का काम करता है, क्योंकि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर आपके स्टमक के अंदर के लेयर में अगर ये पेनिट्रेट कर गया तो वहाँ अल्सर जैसी प्रॉब्लम वो क्या करता है, क्रिएट करता है, घाव वहाँ पर बना देता है। तो म्यूकस इससे प्रोटेक्शन देता है। HCl क्या करता है, HCl जो है किल करता है, किसको किल करता है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहेंगे, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी यहाँ पर रहेंगे, या उसको बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लीजिए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अच्छे नहीं हैं आपकी बॉडी के लिए, ऐसे सूक्ष्म जीव जो आपके बॉडी के लिए अच्छे नहीं हैं, जो फूड के थ्रू आ गए हैं, जो ख़त्म नहीं हो पाए हैं, उनको किल करने का काम करेगा। इसके अलावा HCl क्या करता है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करने का काम करेगा, सक्रिय करने का काम करेगा। बस सबसे पहले आपको समझना है, पेप्सिनोजन जो है वो अक्रिय है, वो क्या है, अक्रिय है, इसको बनाना है सक्रिय। सक्रिय कैसे बनेगा, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव कौन करेगा, HCl। कैसे एक्टिव करेगा, जो हम देखे थे प्रीवियस स्लाइड में, यहाँ पर गए तो हमको देखा टाइलिन जो है ना अभी एक्टिव रहता है फूड में, उसको डीएक्टिवेट करता है HCl, और जैसे ही टाइलिन डीएक्टिवेट होगा, एक्टिवेट हो जाएगा पेप्सिनोजन, और किस रूप में बदल जाएगा, पेप्सिन के रूप में बदल जाएगा, पेप्सिन। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम आपको याद रखना है,
पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम आता है। किसको डाइजेस्ट करने का काम आता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है, इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया स्टमक के बारे में सारी बातें। यहाँ पर जो फूड होता है, यहाँ पर जो फूड होता है उसको हम बोलते हैं चाइम, ठीक है। देखो माउथ में जो फूड था उसको हम बोलस बोलते हैं, यहाँ पर जो फूड था उसको हम क्या बोलते हैं, चाइम बोलते हैं। अच्छा अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि जैसे ही यहाँ से फूड जो है पास होगा, यहाँ से दो ट्यूब जाती है, एक इधर और एक इधर, ये जो है कहाँ से आएगी, ये आती है आपकी लीवर से, यकृत से आती है। और ये ट्यूब कहाँ से आ रही है, ये आती है पैनक्रियास से, अग्नाशय से, ठीक है। तो अभी आपको समझना है लीवर के बारे में। लीवर जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर आपको लीवर दिख रहा है, लीवर में आपको मालूम होगा अगर आपने पढ़ा है तो RBC जो डेड होता है वो कहाँ पर होता है, लीवर में। और यही RBC कुछ और केमिकल के साथ मिलकर क्या बनाता है, जो डेथ होता है जिसका RBC 120 डेज में RBC रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है, उसकी एवरेज औसत आयु होती है। जो डेथ होने के बाद में वो बाइल जूस में कन्वर्ट होती है, किस में कन्वर्ट होती है, कुछ और भी केमिकल्स वगैरह मिलते हैं उसमें, तो ये बाइल जूस में कन्वर्ट होगा जिसको हम पित्त रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्त रस। पित्त रस जो है ना बेसिकली ये फैट वसा के पाचन में काम आता है, किस में काम आता है, वसा के पाचन में। किस तरह से काम आएगा, तो फैट को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है वो है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम जो है ये फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है, उसको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, एक्टिव बनाएगा, सक्रिय बनाएगा। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम है, ये आपको याद रखना है। टाइलिन यहाँ पर माउथ का एंजाइम है, पहला डाइजेस्टिव एंजाइम। दूसरा उसके बाद आपको स्टमक में मिला कौन सा, पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब मैंने आपको बताया लाइपेज वसा को जो है, वसा जो होता है उसको क्या करेगा, पाचन करने का काम करेगा। उसको एक्टिवेट कौन करता है, बाइल जूस। साथ ही साथ वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी करने का काम करता है, कौन, बाइल जूस। इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण मतलब सतहीकरण का बढ़ा देना। देखो कोई भी चीज़ जो है अगर हम खा रहे हैं उसमें अगर आपको फैट को डाइजेस्ट करना है तो उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, उसके सतह क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको क्या करता है, वो फैला देता है। और जैसे ही फैलाएगा लाइपेज उसमें क्या करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा और उसको डाइजेस्ट कर देगा, फैट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा और फैटी एसिड में वो अपना कन्वर्ट कर देगा। तो ये हो गया लीवर। और अच्छा ये बाइल जूस ना स्टोर कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर। लीवर में बाइल जूस प्रोड्यूस हुआ, गॉल ब्लैडर पित्ताशय में जाके वो क्या हो गया, जमा हो गया। और फिर वो जाएगा कहाँ पर, पित्त नलिका से होते हुए, मतलब बाइल डक्ट से होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा, ये आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर, ये पहुँचेगा कहाँ पर, स्टमक के आगे जो है शुरू हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। किसका पार्ट शुरू हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। मतलब अगर हम आगे जाएंगे तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि जैसे मान लो ये जो है आपका क्या है, स्टमक है, और स्टमक के बाद में जैसे मैं यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये मान लो क्या है, पेनक्रियास है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है बाइल डक्ट हो गया, और ये बाइल डक्ट हो गया आपका, और बाइल डक्ट होने के बाद में मान लो यहाँ पर जो है हमारा क्या है, ये लीवर है, ठीक है। इस प्रकार से ये लीवर है। अब यहाँ से जो है आपको समझना है कि यहाँ से बाइल डक्ट से क्या निकल रहा है, बाइल डक्ट से आपका पित्त रस निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से बाइल जूस निकल रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। और ये जो सेक्शन मैं यहाँ पर बनाया हूँ इसको बेसिकली ये यहाँ से यहाँ इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, डी ड्यूडेनम। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्यूडेनम जो होता है ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा हिस्सा होता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम जो है सबसे छोटा हिस्सा होता है, ये अब हम पहुंच गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे छोटा हिस्सा किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। उसके बाद आपका जीजनम आएगा, ये आपका जीजनम का सेक्शन। उसके बाद कौन सा सेक्शन आएगा, उसके बाद आपका इलियम वाला सेक्शन आएगा। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ड्यूडेनम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ड्यूडेनम में जब फूड पहुंचता है तो वहाँ दो चीज़ें और मिक्स होती है, एक तो पेनक्रियास्टिक रस, अग्नाशयी रस बोलते हैं, और एक बाइल जूस, पित्त रस, ये दोनों मिक्स होती है। तो बाइल जूस के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं पेनक्रियाटिक जूस के बारे में। पेनक्रियास एक ग्लैंड भी है, एक ग्रंथि भी है, जिससे इंसुलिन वगैरह रिलीज होता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम भी होते हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशयी रस, उसको हम बोलते हैं अग्नाशयी रस बोल रहा हूँ मैं, अग्नाशयी रस,
इसमें सभी प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, सभी प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं एक्सेप्ट अपवाद। अपवाद कौन से, कौन सा नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, किसको छोड़कर, अगर हम बात करें तो किसको छोड़कर बोल सकते हैं हम, तो आपको याद रखना है दो सभी प्रकार के पाचक एंजाइम, बस टाइलिन, टाइलिन और पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, इनको छोड़कर ये नहीं होते। टाइलिन तो आपका लार में पाया जाता है और पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, स्टमक में पाया जाता है ना। बाकी जो भी एंजाइम है वो सारे एंजाइम पेंक्रियाटिक जूस में, लाइपेज, एंट्रोकाइनेज, बहुत सारे एंजाइम है, वो सारे के सारे जो हैं आपके कहाँ होते हैं, पेंक्रियाटिक जूस में होते हैं, जो बेसिकली फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, महत्व जो अपनी भूमिका जो है अदा करते हैं, एक प्रकार से बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल जो है वहाँ पर क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो हमने यहाँ पर पेंक्रियाटिक जूस के बारे में भी कवर कर लिया। ड्यूडेनम मैंने आपको बताया सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद इलियम, इलियम जो होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा तो इलियम, ठीक है, छुद्रान बोलते हैं उसको हम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट जो है वो होता है ड्यूडेनम। जो इलियम है ना यहाँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन का अवशोषण, भोजन का सबसे ज़्यादा अवशोषण कहाँ होगा, तो इलियम में होगा। ये जो अगर आप जगह देख रहे हैं ना यहाँ पर, इसको मैं अलग कलर से यहाँ पर जो है ये जो एरिया देख रहे हैं इसको हम बेसिकली इलियम बोलते हैं, और ये जो इलियम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा भोजन का क्या होगा, अवशोषण। तो भोजन हमने खाया, खाना अंतर्ग्रहण, इंजेशन, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, चौथा एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण, भोजन का उपयोग करना, जो भी उसमें रस हमको मिला उसका शरीर इस्तेमाल करेगा उसको स्वांगीकरण या फिर एसिमिलेशन बोलते हैं, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्रिएशन। अब आपको ये समझना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड निकलेगा वो फूड आगे कहाँ पर जाएगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाएगा। तो बड़ी आंत में मैंने आपको बताया कोलन, ठीक है, जो बड़ी आंत है उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोलन है, ठीक है। कोलन जो होता है ना ये LON से आप याद रखना कि लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, बड़ी आंत का, ठीक है। CO से याद रखना ये काम करता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल का संरक्षण करता है हमारे शरीर में। तो कोलन, ये जो आप साइड में देख रहे हैं ना ये मेनली कोलन है, ठीक है। इसमें तीन प्रकार के कोलन होते हैं, ट्रांसवर्व, असेंडिंग, डिसेंडिंग, वो आपको हम जानना नहीं है, बस कोलन आपको जानना है यहाँ पर। तो कोलन क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्या होता है, सीकम होता है और रेक्टम जो होता है। इसके अलावा एक अपेंडिक्स, अपेंडिक्स एक होता है, ठीक है। ये अपेंडिक्स क्या होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो है बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको हम अवशेषी अंग बोलते हैं। ये हमारे बॉडी में बहुत इस्तेमाल नहीं होते, बस कुछ फाइबर्स, फाइबरस फूड होते हैं, ठीक है, रेसेदार जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा हेल्प करते हैं, बाकी उनका मेन फूड को डाइजेस्ट करने में कोई इंपॉर्टेंट उसका रोल नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो फूड है यहाँ से होने के बाद में इससे होते हुए ये रेक्टम के थ्रू एनस, गुदा द्वार से वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो है आपका टाइलिन एंजाइम जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट किया जो आपका फूड था, दूसरा आपका पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, लाइपेज एंजाइम जो है वो वसा को जो है पचाने में मदद करता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रेनिन नाम का जो है बेसिकली एंजाइम होता है, वो बेसिकली बच्चों में पाया जाता है जो कि दूध को पचाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पर जो है एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहाँ पर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। ये जो है आपको एंजाइम से जनरली जो है क्वेश्चन पूछता है, और आपको सलाइवरी ग्लैंड से, लार ग्रंथियों से जनरली जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये हमने यहाँ पर जो है कवर किया है। नाउ आगे हम बात करते हैं दांत के बारे में। हमारे जो दांत होते हैं उसका फॉर्मूला आपको जो है याद रखना है, डेंटल फार्मूला 2-1-2-3, 2-1-2-3। अब ये क्या है इसको आप समझिए। देखिए आपके दांत को, आपके मुँह को हम चार हिस्सों में बांट देते हैं, पहले तो लेफ्ट राइट और फिर अपर और लोअर, ठीक है। तो आपका राइट साइड में दो ऊपर और नीचे होगा और लेफ्ट साइड में दो ऊपर नीचे होगा। तो ये जो बीच की लाइन है ये उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसके बाद ये और वो सिमेट्री में है, सममित में है। तो आपको एक साइड का अगर आप समझ लिए तो आपको चारों साइड का समझ में आ जाएगा। अब ध्यान समझिए, आपके जो सामने के जो दांत रहते हैं, ठीक है, सेंट्रल में जो, उसको हम बोलते हैं इंसीजर।
इंसीजर, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं केनाइन, ये आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, केनाइन है। इसके बाद में इंसीजर आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद में प्री मोलार, ठीक है, और उसके बाद में मोलार। अग्र चमर्णक और चमर्णक उसको हम बोलते हैं, और बेसिकली इंसीजर और केनाइन कृतंक यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ये जो दांत हमारे हैं, ये दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। अब आप समझिए कि ये सामने इंसीजर कितने दिख रहे हैं यहाँ इस सेक्शन में, या इधर मान लीजिए ये दो हैं, यहाँ पर ये एक है, ये तीन है, ठीक है, और ये क्या है, दो है, सॉरी, ये जो है प्री मोलार आपके टू होंगे, और फिर ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली मोलार हैं, ठीक है। तो 2, 1, 2, 3, फिर इधर 2, 1, 2, 3, फिर इधर 2, 1, 2, 3, फिर इधर 2, 1, 2, 3। तो इस प्रकार से आपको 32 दांत देखने को मिलेंगे। मतलब आप समझिए कि सबको नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए चार के साथ में, तो 2 × 4, 1 × 4, 2 × 4 और 3 × 4, ये जो भी नंबर आएगा, ठीक है, 4, 8 और 12, इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 32 आपका आएगा। मतलब हमारे ह्यूमन टीथ कितनी होती है, 32 होती है, जिसमें सबसे सामने का जो दांत होता है उसको हम इंसीजर बोलते हैं, जो आपके नुकीली दांत होती है उसको केनाइन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपके दो दांत और रहेंगे उसको प्री मोलार अग्र चमर्णक बोलते हैं, और लास्ट में जो तीन दांत रहेंगे मोलार उसको हम बोलते हैं, जिसको हम चमर्णक के नाम से जानते हैं। तो ये डेंटल फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने डेंटल फार्मूला के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया। नाउ अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं, और उसमें उस एंजाइम का इस्तेमाल, जिसमें तीन एंजाइम मैंने आपको बताया जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइपेज, इसके अलावा टाइलिन, इसके अलावा आपका पेप्सिन, ये तीनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़ी जो है ग्रंथि, अगर आपको पूछे लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, पैरामोक्सी वायरस अगर वो इन्फेक्ट हो गई तो उससे क्या हो जाता है, मम्स, गलसुआ जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। इसके अलावा छोटा आंत जो है, छोटी आंत जो है उसका सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनम, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, इलियम, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, सबसे अधिकतम अवशोषण होता है भोजन का। उसके बाद अगर बड़ी आंत में बात करें तो कोलोन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो बेसिकली वाटर को कंजर्व, वाटर का संरक्षण करने का काम करता है, और साथ ही साथ लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लीवर, लीवर में क्या होता है, बाइल जूस बनता है, वो गॉल ब्लैडर में जाकर जमा हो जाता है, और फिर वही फैट को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, पायसी कराने में मदद करता है। इसके बाद में आपका जो है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास से निकलने वाला जूस होगा, उसमें सभी प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं एक्सेप्ट टाइलिन और पेप्सिन, क्योंकि वो पहले आ चुके हैं तो वो नहीं पाया जाता, बाकी जितने भी हैं वो आपके जो है वहाँ पर पाए जाएंगे। जनरली प्रीलिम्स में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इतना आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी मेंस में तो बहुत डिटेल में हमको कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, क्या डाइजेस्ट हो रहा है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, फैट का डाइजेशन, उसके प्रोसेस को भी हमको पढ़ना पड़ता है, और साथ ही साथ जितना हमने प्रोसेस पढ़ा उसको और डिटेल में हमको वहाँ पर कवर करना होता है। प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती है, तो इतना आपको यहाँ पर जो है ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर आज जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कुछ और सिस्टम के बारे में हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।